मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना यानी जन आरोग्य योजना का जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में भव्य शुभारंभ हुआ। धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत योजना का धर्मशाला के स्थानीय विधायक व प्रदेश के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरोटा बागवा व बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार कुका व मुल्कराज प्रेमी तथा बड़ी तादाद में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांता कुमार भी मौजूद रहने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे मौजूद नहीं रह सके। हिमाचल में योजना का शुरुआत हो चुका है और दावा है कि इससे 22 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 175 अस्पताल चयनित किए हैं जो सरकारी व निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। इस योजना के तहत 1800 के करीब बीमारियों का उपचार अस्पतालों में निःशुल्क करवाया जाएगा। योजना के तहत डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे जो पेपरलेस होने के साथ साथ मनीलेस भी होंगे। किशन कपूर ने इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा और प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। कपूर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि खादी के कपड़े पहनकर वह राजवाड़े गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद गरीबी को नजदीक से देखा है वही ऐसी योजना गरीबों के लिए बना सकता है। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गरीबी को नजदीक से देखा है, इसलिए आज इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना मोदी सरकार गरीबों के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में बहुत सी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं ताकि उनका सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुंच सके। इस अवसर पर मंत्री ने योजना से लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। कपड़े उतार कर खादी के कपड़े पहनने वाले ऐसी योजनाएं नहीं बना सकते, राजे रजवाड़े ऐसी योजनाएं नहीं बना सकते। जिस आदमी ने गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीबी होती क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने गरीबी को देखा है, उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी गरीबी को नजदीक से देखा है। जिन लोगों ने गरीबी की, गरीब आदमी किन परिस्थितियों में गुजरता है, गरीब आदमी अपना जीवन यापन कैसे करता है, गरीब आदमी उसके लिए कितनी समस्या आती है, उसके लिए अगर कोई चिंतन कर सकता है तो गरीब आदमी कर सकता है। और सारी की सारी योजनाएं चाहे देश में बनी है, चाहे केंद्र सरकार ने बनाई है, चाहे प्रदेश सरकार ने बनाई है, गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया गया। योजना के लाभार्थी लाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना शुरू की है और योजना से अब गरीबों को बीमारी की स्थिति में दर दर ठोकरे खाने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें भी बहुत लाभ हुआ है क्योंकि उनके पास बीमारी का इलाज करवाने के लिए धन नहीं था। मैं पिछले टू का रहने वासी और IIT के कार्मी हूँ और इस योजना से जब मेरा ऑपरेशन होना था वहाँ शरीर में मेरे पसीने थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 40,000 रुपया खर्चा आएगा, तो मेरे पास तो 4 पैसे भी नहीं थे और मेरी हेल्प इस कार्ड से मतलब और मैंने ऑपरेशन भी इसी कार्ड से करवाया गया। और इस जो अभी आज योजना शुरू प्रधानमंत्री ने की उस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? इस योजना से मेरे को अभी बताया कि आपके शरीर में पसलियां हैं तो मतलब अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कार्ड को यूज करूंगा और अदरवाइज नहीं तो मैं इस योजना से बैठा हूँ।